स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं, कुछ 1 to 10 सारे प्रीवियस ईयर में अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक देने वाली हूँ, तो आप वहाँ से भी वीडियो लेक्चर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, 10 जो रिमेनिंग है, तो अगर आपको जल्दी है तो आप वो वीडियोज़ के थ्रू हेल्प ले सकते हो। नाउ लेट्स बिगिन विद द बाइफरकेशन फर्स्ट। जैसे हम हमेशा एज यूजुअल बाइफरकेशन से शुरू करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, क्योंकि आंसर देने से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि नाना नानी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप, हम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो यहाँ पे नाना नानी इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे करके ये बात की गई है। देन मतलब 1:1 का रेशियो होगा, इट इज़ नथिंग बट 1:1 का रेशियो, मतलब हम हाफ हाफ दोनों बांट लेंगे आपस में। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिए, उसमें इन्फॉर्मेशन दिए हुए कि डेबिट साइड में बैलेंसेस में इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स के अंडर में जाएगा। यहाँ पे दिया एडिशन ऑफ ₹20,000, मतलब एडिशनल लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 की विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018 से उसका जो है परचेस की गई है। तो मतलब 2018 से लेकर 31 मार्च तक अगर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है तो हमें 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। वैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट में आगे दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन को लेकर। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि केयरफुल रहना है जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो आपको तो उस समय पर। देन सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, देन इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, पीडी इसीलिए लिखा है मैंने। देन फर्नीचर एसेट्स के अंडर में, डेटर्स जो एसेट्स के अंडर में आएगा। क्रेडिट बैलेंसेस में हम देखेंगे तो नाना नानी का कैपिटल दिया है, वो लायबिलिटीज के अंडर में हम डायरेक्टली ले लेते हैं, इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे नहीं। देन 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, 10% बैंक लोन, ये आपका जो है हिडन एडजस्टमेंट हो गया। मतलब हिडन एडजस्टमेंट हमें अपने आप से ये जो 10% का जो इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है वो कैलकुलेट करना है हमें, इंटरेस्ट हिडन एडजस्टमेंट हो गया ये। 1 अक्टूबर 2018 को परचेस किया, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ्स होता, तो 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। देन इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, देन बिल्स पेबल लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा। नाउ यहाँ पर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमें दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब हमने यहाँ पर नोटिस किया कि ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स में कहीं पर भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला कोई भी बैलेंसेस भी नहीं है, अमाउंट का बैलेंस भी नहीं है। और साथ ही यहाँ पर हमें डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट का जो है बैलेंस अमाउंट दिया गया है कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बंदे को रिसीव हुआ है, नाना नानी की फर्म को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹34,500, तो हमें इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देना है। इसका तो एक सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि TD में से ये अमाउंट सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन दी है एडजस्टमेंट्स के साथ, ये एक इन्फॉर्मेशन हमको दे दी। देन सेकेंड, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट, EWEF का मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमको दिखाना है जो करंट ईयर का जो बैलेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम क्या करेंगे, ये अमाउंट को इनर कॉलम में जो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया एक टिक मार्क उस पर हमने लगा देना है कि हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है 15,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे, एंड आउटर कॉलम में फिर हमें बैलेंस जो है प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर लिखना होगा, और वो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स के अंडर में चला जाएगा। देन डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% एंड फर्नीचर एट 5%, तो हमें टिक मार्क ले लेना है इन पे, मतलब टिक मार्क दे देना है ताकि आप इनर कॉलम में अमाउंट लिखे, तो तीनों दोनों पे टिक मार्क है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये हम इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, और उसके बाद में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के टाइम पे हमें ध्यान देना है एडिशनल मशीनरी जो आई वो जुलाई 2018 में आई 20,000 की,
एंड फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है, दोनों का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। एंड एक इफेक्ट एसेट्स में से हमको माइनस करना ही है, लैंड एंड बिल्डिंग में से, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट। देन फोर्थ वन, राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स के लिए हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, मतलब न्यू बेड डेब्ट्स हो गया तो डेटर्स में से हम माइनस करने वाले हैं। एंड RDD एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। तो यहाँ पर डेटर्स में से हमको न्यू RDD जो है वो भी क्या करना है, माइनस करना है। तो दो टिक मार्क हम डेटर्स पे यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन रीड करते करते, तो उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली स्पेस लीव करेंगे। देन लास्ट में हमें क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500। तो वैसे यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, साथ ही एसेट्स में जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना नहीं है, तो ओनली अंडर द एसेट्स हम इस अमाउंट को दिखा देने वाले। तो लेट्स बिगिन विद द सम का को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मेट जो है वो रेडी रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आपका ज़्यादा जो टाइम है वो ना जाए, वेस्ट ना हो। और टेक्स्ट बुक आपको अपने सामने रखनी है, टेक्स्ट बुक रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अमाउंट जो है मैं जस्ट अभी वर्बली बोलने वाली हूँ, बार बार आपको अमाउंट दिखाने वाली नहीं हूँ, बैलेंसेस जो है वो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाता है, फिर डिस्टर्बेंस भी होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ टू इंश्योरेंस कर हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं टू इंश्योरेंस। अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 15,000, इस पे एक एडजस्टमेंट है इसलिए वन लाइन लीव कर दिया। देन बिल्डिंग जो है वो एसेट्स के अंडर में आएगा, तो एसेट्स के अंडर में बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, इसका भी अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिख लेना है 50,000। इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें। देन नेक्स्ट है सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसे आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं 5,000। देन नेक्स्ट जो है वो है एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट आउटर कॉलम में डायरेक्टली, क्योंकि इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,500 का अमाउंट। देन हमें दिया गया इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट, डेबिट साइड का इंटरेस्ट डेबिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट होता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है, तो टू इंटरेस्ट 1,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली। देन इसके बाद में एसेट्स दिया है फर्नीचर, फर्नीचर का के ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन वाला, तो अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर 40,000, वन लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद में डेटर्स दिया है, डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट है, तो इन ऑल थ्री लाइंस हमें लीव करनी है 26,000, एक एडजस्टमेंट, उसके बाद अमाउंट जो बचेगा फिर इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। देन लायबिलिटीज़ के साइड में हमें लिखना है कैपिटल बैलेंसेस दिया है, तो कैपिटल बैलेंसेस हम यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट नाना का 50,000, एंड इन पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उसका एडजस्टमेंट करना, तो वन लाइन लीव कर देंगे। फिर नानी, इनका भी बैलेंस अमाउंट जो है 50,000 है, मतलब वन लाइन लीव। उसके बाद में 10% बैंक लोन दिया है, तो 10% बैंक लोन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st October बोला है, 30,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इस पर भी एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। देन इंटरेस्ट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन यहाँ पे ऑन द टॉप के जो लाइन है वो हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सबसे पहली लाइन है एडजस्टमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस 1,500, उसके बाद में बिल्स पेबल दिया है, लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा, बिल्स पेबल काफी छोटा सा समय,
ज़्यादा इसमें समय लगने वाला नहीं, अगर ऐसा आ गया बोर्ड में है तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई, राइट। छोटा सा सम क्विकली हो जाएगा, लेकिन यूजुअली तीनों भी आ सकता है कान से, डिपेंड करता है। हो गया, प्रैक्टिस हर तरीके से होनी चाहिए कि आप फिर केयरफुली क्वेश्चन रीड करोगे कि ओके हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट ही डायरेक्टली हमें मिला हुआ है। तो अब आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट्स पे। तो सबसे पहला प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है तो 34,500 जो दिया है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में 34,500 लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। देन नेक्स्ट हमें इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स, 15 मंथ्स का जो इंश्योरेंस पे किया है वो उसके वो दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे प्रीपेड इंश्योरेंस जो है हमें कैलकुलेट करना है। एडजस्टमेंट जो है दिया हुआ है 15 मंथ्स का दिया हुआ, राइट। यहाँ पर क्यों पेज वेस्ट करें ना, वर्किंग नोट नया पेज वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस जो है आप कैलकुलेट करोगे तो पर मंथ इंश्योरेंस पर मंथ का निकाल सकते हो, वो एकदम आसान है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पहले भी इस तरीके का सम जो है मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो 15,000 डिवाइड बाय 15 मंथ्स का है ये, क्योंकि कैसे 15 मंथ्स का यहाँ पे क्लियर कट बोला हुआ है कि 15 मंथ्स का विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 को ये पे किया, लेकिन 15 महीने का पे कर दिया क्योंकि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक 12 मंथ्स होते हैं और हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स 12 मंथ्स का बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस है ना वो 15 मंथ्स का पे किया गया। तो हमें क्या करना है, 15,000 को डिवाइड बाय 15 करेंगे तो पर मंथ का जो है ₹1,000 पर मंथ आ गया, पर मंथ आ गया। अब इस पर मंथ के अमाउंट में आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स तो कितना आ जाएगा 12,000। तो 12,000 ये जो है ये करंट ईयर का 12,000 हो गया। दिस इज फॉर द करंट ईयर जो अभी हमें प्रेजेंट करना है, आउटर कॉलम में आना चाहिए, ये आउटर कॉलम में ये दिखाना चाहिए। बाकी का जो रिमेनिंग 3,000 होगा वो प्रीपेड कर आएगा, तो इसको हमें यहाँ पर बता देना है कि माइनस प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस आउटर कॉलम में 12,000, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3,000 आया। तो 3,000 मतलब प्रीपेड था, तो माइनस प्रीपेड 3,000, और इस प्रीपेड को इमीडिएटली हम एसेट्स के अंडर में लिख देंगे इससे पहले कि हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल जाए। प्रीपेड एडवांस में पेमेंट कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 अमाउंट। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है डेप्रिसिएशन को लेके है, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 10% का, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 50,000 जो है उसमें 20,000 इंक्लूडेड है, कब का ये पहला था, सेकंड लैंड एंड बिल्डिंग इन ऑल इसका जो अमाउंट है वो कितना है 50,000, ठीक है। नया जो परचेसिंग हुआ वो 1 जुलाई को हुआ, तो 20,000 1 जुलाई 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक कितना मंथ्स होता है, 9 मंथ्स। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे वो 9 मंथ्स का करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 10% मतलब 10/100
दिस जीरो गॉट कैंसल, दिस जीरो एंड दिस जीरो गॉट कैंसल, 3 3 9 एंड 3 4 12, 4 1 4, 4 5 20, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना आ जाएगा 1500, 1500 जो है 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन, तो रिमेनिंग बैलेंस जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 30,000 हुआ, तो 30,000 पे फुल ईयर का 10% मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे तो भी चल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर किया 1 तो 3,000 है, तो इन ऑल जो डेप्रिसिएशन है वो 3,000 प्लस 1,500 हो गया, तो टोटल 4,500 का डेप्रिसिएशन जो है लैंड एंड बिल्डिंग से हमें माइनस करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन 3,000 प्लस 1,500 टोटल 4,500 आउटर कॉलम में चला जाएगा 45,500 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में थोड़ी सी ओवरराइटिंग हो गई, माफ़ कीजिएगा, 4,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन 4,500, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अभी फर्नीचर पे 5%, तो यहाँ पर डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जब वर्किंग नोट आपको पूछा नहीं है, माइनस डेप्रिसिएशन 5,100 तो यहाँ पे पेंसिल से कर सकते हो 5/100, 20 गॉट कैंसल, 20 गॉट कैंसल, 5 4 20, 2000 हुआ डेप्रिसिएशन, कितना हुआ 2000, तो माइनस 2000 किया, आउटर कॉलम में चला जाएगा 38,000 एंड ये 2000 जो है डेप्रिसिएशन हमें दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 DEP कर पावर में एन लिखोगे तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आउटर कॉलम में 2000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया है राइट ऑफ बेड डेब्ट्स, तो न्यू बेड डेब्ट्स है वो हमें क्या करना है, माइनस करना है पहले डेटर्स में से, माइनस न्यू बेड डेब्ट्स, लेस करते हैं हम, अभी लेस लिखने के लिए इतनी स्पेस नहीं होती है इसलिए माइनस साइन के साथ हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 1000 तो बैलेंस जो नेट डेटर्स बचा वो 25,000 बचा, इमीडिएटली या तो बेड डेब्ट्स को लिख लो गड़बड़ ना हो भूल ना जाए, तो 2 न्यू बेड डेब्ट्स, यहाँ पे RBDD वाला फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि दो ही अमाउंट है हमारे पास, नया बेड डेब्ट एंड नया RDD, बस तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, आउट इनर कॉलम में लिख लो और इसमें ऐड कर लेना न्यू RDD जो आएगा वो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस न्यू RDD, न्यू RDD 5% है, न्यू RDD एट द रेट ऑफ 5%, अभी 5 किसी किसी को डायरेक्ट जमता है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्योंकि 20 कैंसिल हो गए और 250 को मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 1250 आएगा, 1250 करके देखना, 1250 कैसे मैंने बोला कि आपको डायरेक्ट करना है, छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है आपका टाइम सेव कर सकते हैं, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट 20 हटा दो, 5% निकालना है, 20 आपने कैंसिल कर दिया, 5/100 लेते हैं इसीलिए, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 250 करोगे तो 1250 आएगा क्योंकि 5 0 0 एंड 5 5 25 कैरी ओवर 2 5 2 10 10 प्लस 2 12, तो 1250 का डेप्रिसिएशन सॉरी RDD आ गया, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा 23,750 एंड 1250 को हम लिख देंगे यहाँ ऐड न्यू RDD 1250 इन ऑल जो अमाउंट है वो 2250 आउटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एसेट्स के अंडर में आ जाएगा, तो यहाँ पर एसेट्स के अंडर में हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक
34,000, क्लोजिंग स्टॉक भी 34,500 है, अमाउंट 34,500 हमने लिख लेना है। अभी सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए, अब क्या करना है हमारी, अब आई बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने की। ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमारे पास था, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना भी नहीं था। यहाँ पर हम जब टोटल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल जब करोगे, तो यहाँ पर आप पेंसिल से जब ये सारा टोटल करके देखते हो, ठीक है, तो आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो 30,750 टोटल करके देखना है, कहाँ कोई अमाउंट मिसिंग तो नहीं है, मिस ने कोई अमाउंट लिखना तो नहीं भूल गए, मिस इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया नहीं किया। देखो मुझे क्लिक हो गया कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट किया नहीं है। हिडन एडजस्टमेंट का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है 30,000 पे 10%, और वो कितने मंथ्स के लिए, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ तो 6 मंथ्स के लिए। यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा देती हूँ आपको, इन शॉर्ट हिडन एडजस्टमेंट का नहीं किया हमने, तो थर्ड आपका वर्किंग नोट जो है, बैंक लोन एट द रेट ऑफ 10%, 6 मंथ का कैसे पता चला, तो 1 अक्टूबर से लेकर 2018 से लेकर 31 मार्च तक 2019 तक 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो 30,000 पे 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 हमें ले लेना है। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो दिस जीरो गॉट कैंसल विद दिस, दिस वन गॉट कैंसल विद दिस, 6 1 6 6 2 2 12 2 1 2 2 15 30 एंड 0 0, तो 1500 रुपया जो है वो इंटरेस्ट पेबल जो है बैंक लोन का हमें दिखाना है। तो इसका एक इफेक्ट कहाँ आना चाहिए, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देना है, क्योंकि मैं टोटलिंग करके आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, ऐसे टोटलिंग जो है मैंने ओल्ड वीडियोस में कर करके दिखाए हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट्स को ऐसे रहता है मिस इतना टाइम मत लीजिए, ये हम टोटल कर लेंगे, तो अभी मैं टोटल अमाउंट आप लोगों को दे रही हूँ। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट पेबल बैंक लोन वाला, तो 1500 एंड ऐड टू बैंक लोन में ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ड्यू 1500, तो 31,500 टोटल हो गया। अब ये अमाउंट लेने के बाद आपका टोटल जो है वो, इसके बाद आपका टोटल 30,750 आएगा, टोटल करके देखना है आपको 30,750, और क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस आप इंटरेस्ट को सम अप करोगे तो 36,000, तो आपका जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है दैट इज़ मोर, वो ज़्यादा है, तो यहाँ टोटल के यहाँ पे 36,000 हम लिख लेंगे, तो सेम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी टोटल के यहाँ पे 36,000 लिखेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस हुआ, और जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होना मतलब नेट प्रॉफिट अराइज हुआ, तो टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन कितना अमाउंट आएगा, डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो 5250 का डिफरेंस आएगा, माइनस करके देखिएगा 36,000 में से 30,750 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 5250 आएगा, क्योंकि 30,000 तो क्या 6,000 से आप 750 माइनस करोगे तो 5250 डिफरेंस आया, एंड दैट डिफरेंस इज नथिंग बट आपका नेट प्रॉफिट। अभी ये जो नेट प्रॉफिट है 5250 का इक्वली डिवाइड करना है, जस्ट यहीं पे वर्किंग नोट में इन शॉर्ट दिखा देती हूँ, तो इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो फिर आपको 2625 रिसीव होगा, क्योंकि इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है, नाना को भी 2625 मिलेगा और नानी को भी 2625 जो है नेट प्रॉफिट रिसीव होगा। तो ये हम यहाँ पे TRFD टू कैपिटल अकाउंट इस तरीके से लिख देते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे नाना के यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट, नाना के हिस्से का नाना को मिल गया 2625, आउटर कॉलम में 52625 आ गया, नानी को भी नेट प्रॉफिट रिसीव हो गया
फिफ्टी फिफ्टी कर लिया इन्होंने, इक्वली डिवाइड कर लिया, 1:1 का रेशियो, यहाँ पर 2625, आउटर कॉलम में 52, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी सेम था 52625। तो इस तरीके से ये सारे जो टोटलिंग वगैरह है एक बार कर लिए है क्या ध्यान से, कहाँ पे कुछ स्पेस नहीं लीव हुआ है ना, क्योंकि जैसे यहाँ पे 10% बैंक लोन जब मैंने नहीं लिया था तो मैं ऊपर आप लोगों को जब अमाउंट दे रही थी टोटल की भी डेबिट साइड का टोटल क्या आना चाहिए, तो उधर यहाँ पर मुझे वो दिखाई दिया कि अरे 10% बैंक लोन नहीं लिया मैंने अभी तक, ठीक है, तो वो हमें दिखाना है। अभी आप लायबिलिटीज़ को एंड एसेट्स का टोटल करोगे, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड का टोटल करोगे तो जो अमाउंट है आपका वो सेम अमाउंट आना चाहिए। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आपका आएगा वो आएगा 1,44,000, टोटल करके देखिएगा 1,44,750। मेरा एम यही है कि आप लोगों को कहाँ पे क्या कैसे प्रेजेंट करना है, कौन सी एंट्री कैसे दिखानी है, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को मिलते रहे और लिसनिंग के वजह से आप लोगों को बेनिफिट हो जाए करके। तो आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 का आंसर्स चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की जो मैंने प्रीवियस ईयर्स में सॉल्व की है, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी जब तक मैं आप लोगों को फ्रेश वीडियोज़ नहीं प्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।